गाइस देखिए, दोपहर के बज रहे हैं 2 और मौसम हो रहा है कितना प्यारा, कितने बादल हो रहे हैं। है केवल इतने भर में ही, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं। लग रहा है बारिश हो सकती है, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है। हवा भी मैं आपको इन पेड़ों के अकॉर्डिंग दिखा सकती हूँ, लेकिन कितनी तेज चल रही है हवा। और बादल गजब के हैं इस समय, हो सकता है बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए झंडे कैसे हिल रहे हैं, कितनी तेज हवा चल रही है। अगर ये बादल उड़ जाएंगे तो बारिश बहुत ज्यादा, लेकिन जहां तक हो जाएगी तो मजा आए। अब चलते हैं नीचे, बारिश होगी तब देखते हैं, आते हैं। चल रहे हैं नीचे, पहुंच गए नीचे। बारिश होने लगी है, हम छत पे जाने वाले हैं बारिश में दोस्तों। फिर फोन लेके जाते होते हैं जरूर। हाँ कुछ नहीं। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं। हाँ 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 आ रहे भैया। अब चलिएगा इस बारिश के अंदर। होपफुली कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी खराब होगी तो उसके लिए मैं माफ करिएगा। इस बारिश में कैसे जा रही है, मैं मम्मी की गाइडेंस से चला था। मम्मी चला ना, अरे यार बारिश में जा रही है। अरे प्रेस करने जा रहे हैं वो नीचे। अरे गीली नहीं है। चलो यार एक मिनट ऊपर जल्दी रखो उसको, बारिश में जाएगी उनको। चल चलो। तो गाइस जैसा कि मम्मी ने कहा था, बारिश होने लगी है। एंड गाइस हमने फोन को पन्नी से कवर कर रखा है, तो अब हम आपको दिखाएंगे बारिश के व्यूज। बारिश में घुस के गाइस कैमरा बंद करो, कुछ अपना बारिश बंद हो जाएगी, जल्दी चलो। गाइस हम फोन को कवर करके ला रहे हैं। नीचे नीचे देखिए, और ऊपर से हो रही है भी, और भी अभी तो तेज थी, फिर से धीमी हो गई। जितनी पन्नी वगैरह ढूंढी है, बादल आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं। हम पन्नी में फोन को कवर करके लाए हैं। देखिए नीचे नीचे देखिए कितनी बारिश हो रही है। ऐसे ना करो यार। अरे यार पानी तो बारिश हो रही है, तो आपको छत पे जाके दिखाएंगे। पर जितनी देर में हमने पन्नी का जुगाड़ किया उतनी देर में बारिश खत्म हो गई। तो अब बहुत धीमी सी हो रही है, तो मजा नहीं आएगा उसको आपको दिखाने में। फिर भी जितनी चलते हैं, काफी अच्छा है मौसम। मैं सोचती रात आज बारिश हो जाएगा, काफी अच्छा लगेगा। अगर तेज हो गई होगी बारिश, पन्नी में हाथ में लाया घर बंद हो गई। अगर तेज हो गई बारिश तो हम वापस आएंगे, पूरी तैयारी हमारे साथ है। फिर हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो गाइस तब तक के लिए बाय। देखिए देखिए उधर घूम के सो गए हैं, ये सुबह सो खड़ा है। ये देखिए देखिए गाइस बिल्कुल प्रूफ के साथ बता रहे हैं कितने सुबह खड़ा जाना है, घूम घूम के सोते हैं। अभी इनकी हल्का सा ऐसे ऐसे गुदगुदी मचाएंगे तो ये सीधे गुदगुदी मचाएंगे और ये पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पापा सो रहे हैं और मैं जा रही हूँ प्रेस करने कपड़ों में। गाइस कपड़े प्रेस हो गए हैं और कुछ कपड़े मैंने अंदर वार्डरोब में भी लगा दिए हैं और इन्हें भी अब लगाने जा रही हूँ। आज हम आपको अपने वार्डरोब के अंदर दिखाएंगे कि हम कैसे अरेंज करते हैं। और ये है मेरा वार्डरोब जो फुल अरेंज करके रखा हुआ है मैंने। इसमें कुछ कपड़े
मेरे बेटे के हैं और कुछ मेरे, बाकी और अलग रखे हुए हैं और कुछ एक्स्ट्रा सामान भी है। इस साइड में सारे मेरे कपड़े और इस साइड में सारे शिव के कपड़े, और नीचे ये एक्स्ट्रा सामान जैसे बेडशीट वगैरह है और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वाला। तो ये है मेरी वार्डरोब, और इधर हुक पे टंगी रहती है पर्स या कुछ भी टांग सकते हैं। फिलहाल तो इस समय एक पुरानी पर्स टंगी हुई है। तो गैस आपने देखा मेरी वार्डरोब, मैंने कहा था एक बार ही आपसे कि वार्डरोब में अंदर कैसे अरेंज करते हैं। मोस्टली मेरी वार्डरोब ऐसे ही अरेंज रहती है, कभी थोड़ी फुल कभी कभी थोड़ी सी कम, ऐसे ही हो जाता है। अभी इसमें कुछ कपड़े और भी ऐड कर सकते हैं बट वो सेफ में रखे हुए हैं। ये जनरली प्रेस करके ज़्यादातर इसी में रखती हूँ, फिर यहाँ से निकाल के कुछ सेफ में डाल देती हूँ फिर से। फिलहाल तो ऐसे ही रहती है, ज़्यादातर ऐसे ही रहती है। तो इसको कर देते हैं बंद। शिव का है पेपर कल, और इन्होंने अच्छे से अभी कुछ प्रिपेयर नहीं हो पाया, कुछ चीज़ें रह गई हैं पूरी रात पढ़ने का। तो आज जैसा ये कह रहे हैं कि ये सारी रात पढ़ लेंगे, लेकिन मना कर रहे हैं सारी रात पढ़ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मॉर्निंग में पेपर देने भी जाना है। तो फिलहाल तो अभी ये पढ़ ही रहे हैं, जब तक पढ़ पाएंगे पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर अर्ली मॉर्निंग में इन्हें उठाऊँगी सुबह 4 बजे और फिर ये पढ़ेंगे सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, 6 नहीं 5:30 तक, क्योंकि उसके बाद में फटाफट तैयार भी होना पड़ेगा। तो चलिए डिस्टर्ब नहीं करते हैं और इन्हें ऐसे ही पढ़ने देते हैं। तो गाइस आज मैंने लगभग 3.5-4 घंटे तक प्रेस करी हुई है, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। एक्चुअली मैं धो धो के केवल रखती जा रही थी, प्रेस करने का टाइम नहीं मिल रहा था तो बस स्टॉक होता रह रहा था। तो बढ़ते रहे कपड़े, बहुत सारे कपड़े हो गए। तो फिर मैंने सोचा आज लाओ, शिफ्ट पढ़ रहे हैं और मैं बोरी हो रही थी, तो मैं कर प्रेस ही कर लेते हैं। तो सारे कपड़े प्रेस करे, अपनी पूरी वार्डरोब भी सही करी। वैसे मेरी वार्डरोब जैसे मैंने आपको दिखाई ऐसी ही रहती है ज़्यादातर, लेकिन जब कपड़े धुल धुल के रखे थे थोड़ी तो नहीं सही हो रही थी, तो फिर से वापस हम उसे अच्छे से अरेंज कर दिया। और आज मेरे यहाँ वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम और ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा है, जिससे शिव को पढ़ने में भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि लाइट कम हो जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। लेकिन पढ़ना तो है ही है क्योंकि कल पेपर है और रिवीजन अभी बाकी था थोड़ा, तो रिवाइज तो करना ही करना है उसको। वैसे उसे हम जल्दी सुबह उठाने की कोशिश करेंगे तो जल्दी उठ के थोड़ा बहुत तब भी कर लेगा, थोड़ा अभी भी कर लेगा थोड़ा सुबह, तो तैयार हो जाएगा पूरा पेपर। और गाइस आप लोगों को मेरा चैनल कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे सजेशन भी आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप मुझे सजेशन भी दे दीजिए। और ब्लॉग कैसा लगता है और आपको किस तरह के ब्लॉग देखने पसंद हैं, और वो सब मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।